सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजी कल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 13, जो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब देख लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है। नॉर्मली हम अगर बात करें तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप स्वाभाविक सी बात बोलेंगे कि प्यूबर्टी के बाद होता है। कब होता है? प्यूबर्टी के बाद या फिर प्यूबर्टी के समय से। अब जैसे देख लीजिए बर्थ, अभी किसी कोई भी फीमेल 12 टू 13 का एज में जब आती है, या फिर हम इसको 10 भी ले सकते हैं, कोई भी फीमेल अगर 10 टू 13 या फिर 12 टू 13 का एज में आ जाती है तो क्या होता है, उसमें ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इवन 13 से 14 के बीच वाले एज, इस एज में, यहाँ से इस एज से मेल में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर मेल में कोई साइकिल नहीं चलता है लेकिन फीमेल में साइकिल चलता है, तो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक, तो हम लोग मेनली पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस चीज़ से पढ़ेंगे। अब जैसे एज 12 टू 13 ईयर्स का हो जाती कोई भी फीमेल, तो उसमें क्या होता है, उसका हाइपोथैलेमस जो होता, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, GnRH, गोनेडोट्रोपिन और रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है कि ओवरी को जाके स्टिमुलेट करता है। ठीक, ओवरी क्या है आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं है पता तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ओवरी एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, इसको स्टिमुलेट करता है और ये फिर क्या करता है, ओवा का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। ठीक, ओवा का प्रोडक्शन एज वेल एज रिलीजिंग दोनों शुरू कर देता है। ठीक, तो अब क्या होता है कि यहां तक तो हम देखें, अब ये रिलीज हुआ होगा और ओवर रिलीज होने के बाद क्या होता है कि इसको क्या होता है कि स्पर्म चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक, अगर स्पर्म, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर स्पर्म नहीं मिले तो फिर क्या होता है कि ये मर जाता है, मतलब डेड हो जाता है, और उसके बाद जो है ढेर सारे, और ये जो यूट्रस का वाल तैयार हो रहा होता है इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, वो भी क्या होता है अलोंग विथ डेड एग बाहर आ जाता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। ठीक, समझे? ये एरो को काट देते आप लोग समझेंगे कि मेल में भी कुछ साइकिल चलता, ऐसा कुछ नहीं है, मेल में नहीं चलता। ठीक ना, समझे कि नहीं? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है, और अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ये जो होता है 12 टू 13 का एज से स्टार्ट होता है और खत्म कब हो जाता है, खत्म जो है 45 टू 50 का एज में खत्म हो जाता है। यानी कि अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज के या फिर फर्टाइल फेज के हैं तो क्या कहेंगे, 12 से 50 ईयर्स बोलेंगे, सीधा कह सकते हैं। तो ये हम रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं या फिर फर्टाइल फेज कह सकते हैं लाइफ का, फीमेल का लाइफ में। ठीक, आया समझ में? तो ये हुआ, कोई दिक्कत? तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में, और ये इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में, तो कृपया करके पूरा देखेंगे तब तो समझ में आएगा, थोड़ा आधा अधूरा एक मिनट आधा सेकंड देखेंगे और स्पीड में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप लेक्चर को पूरा देखें ताकि समझ सकें। ठीक, और लेक्चर कोई बड़ा भी तो नहीं होता आपका, नॉर्मली 12 टू 13 मिनट का होता है या फिर एक्सेस होता है तो 20 मिनट्स का होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था क्या क्या होता है, अब हम लोग इसको लेक्चर 1 और 2 में पढ़ेंगे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग पूरा इस पे PhD कर लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या कहते हैं, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब क्या कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि ये एक, मतलब ओवरी में जो ये प्रोसेस चल रहा होता है और पूरा बॉडी में जो ये हार्मोनल
एक्टिविटीज चल रहा होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं, या फिर ठीक ना। तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, तो ये देखिए अगर ये साइकिल क्रिएट होता तो क्या हार्मोन के वजह से ही होता। अभी आपको बताए थे GnRH निकलता है हाइपोथैलेमस से, ठीक ना। तो अब देखिए रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट एग्जांपल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में, मंकी में, एप्स में, एप्स का मतलब लंगूर होता है, और ह्यूमन बींग्स में, ठीक। तो इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल इस ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और बात करते हैं गाय भैंस बकरी में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ईस्ट्रल साइकिल होता है, OESTRAL, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। और द साइक्लिक इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन रिदमिक फैशंस, क्या कहते हैं, और द साइक्लिक इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द रिदमिक फैशंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो अब रिप्रोडक्टिव पीरियड कब से कब तक का था, आपको बताए थे रिप्रोडक्टिव पीरियड कब से कब तक का है, 12 टू 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। तो वही बात यहाँ पर कहा गया, द रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द रिदमिक फैशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो ये एक साइकिल से या फिर इवेंट से जो कि रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव पीरियड में ये होते रहता है रिदमिक फैशन में, मतलब एक साइकिल खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट होगा, फिर दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट होगा, यानी कि 45 to 50 ईयर्स का एज तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक। इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 टू 15 ईयर्स, तो वहां पर हम 12 टू 13 बोल रहे थे या 10 टू 13, यहाँ पर 12 टू 15 है, कोई बात नहीं, ऐसे होता है हर जगह चेंजेस होते हैं, ठीक। 12 टू 15 या 13 बोलिए जो भी है सब चलेगा, विच हाँ, लेकिन उससे 12 से नीचे नहीं, मतलब 12 या 10 से नीचे नहीं जाना हम लोग को, ठीक समझे। तो ये स्टार्ट होता है 12 टू 15 ईयर्स का एज में, विच मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, और ये जैसे स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब कि प्यूबर्टी में आप जो है जो भी फीमेल है वो इन कर चुकी है, और इस समय ढेर सारे चीज होते हैं बॉडी में, ढेर सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए द कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मेनार्क। अब जैसे क्या होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, तो पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है किसी भी फीमेल में तो हम इसको कहते हैं मेनार्क कहते हैं, ठीक ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज एट द एज ऑफ 45, सीज का मतलब बंद हो जाना, रुक जाना कंप्लीटली। तो ये सीज जो होता है कब, 45 टू 50 ईयर्स का एज में होता है, और इस कंप्लीटली जो सीज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, इसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो यानी कि दो फेज होते हैं, एक मेनार्क का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेनोपॉज का मतलब पॉज हो जाना या रुक जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक। अब ड्यूरेशंस की बात कर लेते हैं, एट एवरेज इंटरवल्स ऑफ, अब ये जो साइकिल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, नॉर्मली सभी फीमेल्स की अगर बात करें तो उसमें नॉर्मली हेल्दी फीमेल्स की बात करें तो कितने होते हैं, 28 टू 29 डेज का ये साइकिल्स होते हैं, ठीक है ना। और एबनॉर्मल फीमेल में बात करें, अनहेल्दी और एबनॉर्मल फीमेल की बात करें, तो ये साइकिल 20 टू 40 डेज का होता, आया समझ में। तो इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब देखिए ये अल्टरेशंस जो होता है कुछ एक्टिविटीज से होता है, कुछ फीमेल्स का एक्टिविटीज से भी होता है, ठीक ना, क्योंकि हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पिल्स ले रही हो, तो ढेर सारा कारण होता है इसका, ये एबनॉर्मलिटी का, ठीक। तो चलिए अब चेंजेस इन ओवरी एंड एसेसरी ऑर्गन, अब देखते हैं कि इस इवेंट के दौरान, अब देखिए कोई भी इवेंट्स होता है लाइफ में तो क्या होता है, कोई भी इवेंट्स होते हैं तो मान लीजिए कुछ हो रहा होता तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं, तो ठीक उस प्रकार जैसे कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होना होता है, तो बॉडी क्या होता है कि ओवरी क्या होता है कि पूरा तैयार हो रहा था, फिर यूट्रस तैयार हो रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि दिस टाइम इट विल कंसीव द प्रेगनेंसी, ठीक। तो ऐसा लगता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगा इस बार, तो इसीलिए क्या होता है कि तैयारी जोरों शोर से होता है। अब कहां पर होता है, अब कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन में हो तो वो देख लेते हैं, ओवरी और एसेसरी ऑर्गन में, एसेसरी मतलब जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ओवरी में चेंजेस होते हैं, फिर यूट्रिन वाल में चेंजेस होते हैं, फिर वेजाइनल चेंजेस और चेंजेस इन द सर्विक्स, तो हर जगह चेंजेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। तो अब देख लेते हैं ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, occurs in two phase। अब ओवरी में जो चेंजेस होते हैं वो दो फेज में होते हैं, क्या क्या होते हैं,
ओवरी में दो फेज होते हैं, दो चेंजेस होते हैं, यानी कि ओवरी में जो चेंजेस होते हैं वो दो फेज में होते हैं। क्या? एक फॉलिक्यूलर चेंज होते हैं, दूसरा क्या होता है? ल्यूटियल चेंज होता है। अब फॉलिक्यूलर चेंज में क्या होता है कि आपके फॉलिक्यूल्स जो होता है डेवलप्ड हो रहा होता है, और ल्यूटियल फेज का मतलब होता है कि फॉलिक्यूल्स से एग निकल चुका है, अब वो क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ओवुलेशंस अकर इन बिटवीन टू फेज, तो यानी इन दोनों फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज के बीच में हम लोग का, इस दोनों फेज के बीच में क्या हो जाता है? ओवुलेशंस होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, फॉलिकल्स मैच्योर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल बना, फिर उसके बाद क्या हुआ? एग रिलीज हो गया, है समझ में। और फिर एग रिलीज होने के बाद ही फॉलिकल्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, है समझ में। तो वही बात यहाँ पर कहा गया कि ओवुलेशंस अकर इन बिटवीन टू फेज, तो इन दो फेज के बीच में ओवुलेशंस होता है, यानी कि 14th डे से। अब चलिए आगे देखते हैं अब इसमें फॉलिकुलर फेज को देख लेते हैं। फॉलिकुलर फेज जो है एक्सटेंड कब से कब तक होता? 5th से 14th डे तक होता, मतलब 5th से 14th डे तक। अब इनिशियल 1 to 5 डे क्या होता है? उस समय क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। तो 5 to 14 डेज को क्या होता है? अच्छा, इसका ड्यूरेशन 5 से 14 दिन, यानी कि 14th डे तक होता है, अंटिल द ओवुलेशन, यानी कि जब तक ओवुलेशन हो ना जाए तब तक ये होता है, ठीक, तब तक होता है फॉलिकुलर, तब तक को हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इस फेज में, इन बिटवीन दीज पीरियड्स मैच्योरेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस, यानी कि फॉलिकुलर फेज में जो होता है ओवम मैच्योर होता है। एक्चुअली ओवेरियन फॉलिकल इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स इन ओवरी कॉर्टेक्स, तो हम लोग ओवरी का तो स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ओवेरियन फॉलिकल जो होता है वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का होता है। अगर किसी चीज को हम ग्लैंडुलर कहते हैं तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, ठीक ना, कुछ सिक्रीट करता, ठीक। तो ये पाया कहाँ जाता है? ओवरी का कॉर्टेक्स में, ठीक। अब कहा जा रहा है कि इच फॉलिकल्स कंसिस्ट ऑफ ओवम सराउंडेड बाय एपिथेलियल सेल्स, और प्रत्येक फॉलिकल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? एक ओवम होते हैं, ठीक, एक ओवम होते हैं, और उसके चारों ओर क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिस एपिथेलियल सेल्स को हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं, आए समझ में। तो आगे देखते हैं, द डिफरेंट फॉलिकल्स आर, अब फॉलिकल्स भी डिफरेंट स्टेजेस में पाए जाते हैं, चार फेज देख लेते हैं क्या क्या। अब यहां पर देखिए कौन कौन से फॉलिकल्स हैं, देखिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। इफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होता है 4 lakh इन ईच ओवरी, तो इसका अगर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का अगर नंबर देखें तो ये 4 lakh होता है। तो ये क्या होता है कि अगर कोई भी फीमेल इंट्रायूटराइन लाइफ में है तब ये होता है, यानी कि इंट्रायूटराइन लाइफ ऑफ एनी फीमेल फिटस कंटेन 4 lakh प्राइमोडियल फॉलिकल, यानी कि अगर कोई भी फीमेल अगर वो मां का गर्भ में है तो उस समय उसके ओवरी में कितने होते हैं? 4 lakh ओवम प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। फिर प्राइमोडियल फॉलिकल्स एट दिस स्टेज, अब प्राइमरी फॉलिकल देखें, प्राइमोडियल देखे थे 4 lakh था ओवरी में, लेकिन इस समय फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ, वो अपने मदर का वूम में है, ठीक। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स क्या कहते हैं के बारे में, एट दिस स्टेज फॉलिकल्स एंड ओवम इंक्रीज इन साइज, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल में देखते हैं कि इस समय फॉलिकल में जो है ओवम का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक, समझे। और वेसिकुलर फॉलिकल्स क्या होता है? इन इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH, FSH 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स एंड वेसिकुलर फॉलिकल्स, ठीक है ना, एंट्रम विथ फ्लूइड फील्ड। अब देखिए यहां पर क्या कहा जाता है, अब वेसिकुलर फॉलिकल कहें या फिर इसको, अब ये वेसिकुलर फॉलिकल्स क्या होता है कि हार्मोन्स के, यानी FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये क्या होता है कि 6 से 12 ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है कि चेंज हो जाता है वेसिकुलर फॉलिकल्स में, ठीक है ना, FSH के इन्फ्लुएंस में, समझिए इस चीज को, FSH के इन्फ्लुएंस में 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो
वेसिकुलर फॉलिकुलर में चेंज होता है। अब वेसिकुलर फॉलिकल्स को हम पहचानेंगे कैसे, तो एंट्रम विथ फ्लूड फील्ड, उसमें कैविटी देखेगा जिसमें कि फ्लूड रहता है भरा हुआ, आया समझ में। और फिर मैच्योर फॉलिकल और इसको ग्राफियन फॉलिकल कहें तो उसका क्या पहचान है, उसमें देख लीजिए। अ मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल दिस कंटेन मैच्योर्ड ओवम सिंस इट इज मैच्योर्ड एज इट रक्चर्स ओवम कम्स आउट। अब देख लीजिए क्या होता है कि मैच्योर्ड फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, यानी कि अब ये कंप्लीटली मैच्योर्ड हो चुका है, यानी हम लोग इस समय जो है कोई भी फीमेल का साइकिल जो है मिडवे में आ गया, यानी कि 28 डेज का होता है तो उसमें 14 डे तक आ चुका है। अब इसमें क्या होगा कि ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और क्या होगा कि एग्स आउट होगा, समझे, तो ये होता। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए तो हम लोग फॉलिकुलर फेज देख रहे थे अब तक, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज 15 से 28 दिन का होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म, और इसमें क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम आपका बन जाता है। अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, यानी कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है, डेवलप फ्रॉम द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, उससे एग निकला और वो क्या बन गया, क्या चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक। Hence it is called the luteal phase, इसीलिए हम इसको luteal phase कहते हैं। अब इसका functions क्या है corpus luteum का, ये देख लेते हैं हम लोग। corpus luteum का function क्या है, secretions। अब देखिए क्या कहता है, secretions the temporary endocrine gland। अब ये corpus luteum जो है टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करता है, एज इट सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक। तो ये क्या कहते हैं एंड्रोजेंस कह सकता है, और इसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। तो ये दोनों रिलीज करता है ये स्मॉल क्वांटिटी में, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक। अब दूसरा क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज इन स्टार्टिंग 3 मंथ इट सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन देन प्लासेंटा हैंड्स ऑन दिस प्रोसेस। अब नॉर्मली देख लीजिए तो 3 महीने तक जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम का ही काम होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करे और एस्ट्रोजन को रिलीज करे, जो कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और 3 महीने के बाद फिर क्या होता है कि प्लासेंटा डेवलप्ड हो जाता है, और प्लासेंटा फिर उसके बाद ये काम को ले लेता है, ठीक। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुआ तो क्या होगा, इफ प्रेगनेंसी कंसीव्ड तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर 3 मंथ। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीना के लिए रहेगा और क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। अगर कंसीव नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजेनरेट होगा, 1 सप्ताह के अंदर अंदर डिजेनरेट हो जाएगा, आया समझ में। अब बात करते हैं यूट्रिन चेंजेस के बारे में। अब यूट्रिन चेंजेस क्या क्या होते हैं, वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक एंड वास्कुलर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अब देखिए यूट्रस के वाल जो होते हैं पूरा पल्पी हो जाते हैं या फिर फ्लफी हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि ढेर सारे ब्लड वेसल्स से वहां पर वाल बन जाता है, ठीक ना, समझे। कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये सब चीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। अब वेजाइनल चेंजेस क्या होते हैं, अब एस्ट्रोजन डेवलप द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ वेजाइना एंड प्रोजेस्ट्रॉन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शंस। अब देखिए इस समय क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो है इसका एपिथेलियल लेयर को डेवलप्ड करवा देता है वेजाइना का, ठीक ना। और अब बात करें प्रोजेस्ट्रॉन की, तो ये क्या करता है कि इन्फेक्शन से इस चीज को इसको प्रोटेक्ट करता है, आया समझ में। अब चेंजेस इन सर्विक्स, अब सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो अब देखिए प्रोलिफरेशंस, ठीक, प्रोलिफरेशंस के समय क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन में मेनली चेंजेस होता क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज में, क्या होता है थिनर एंड मोर अल्कलाइन टू हेल्प स्पर्म मोटिलिटी इन फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। अब देख लीजिए, अब शुरुआती चेंज क्या होता है सर्विक्स में प्रोलिफरेशन के समय कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन हो जाता है, ताकि स्पर्म का मूवमेंट में मोटिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक ना।
ये किसके कौन करवाता है इससे ये काम, एस्ट्रोजन करवाता है। अब बात करते हैं सेक्रेटरी फेज में, तो इसमें क्या करता है कि म्यूकस फेज थिक हो, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है थिक हो जाता है और एडहेसिव हो जाता है, किसके रिस्पांस में, प्रोजेस्टेरोन के रिस्पांस में। अब देख लीजिए मेंस्ट्रुअल फेज क्या क्या चीज होता है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो अब ये जो है आपके इंट्रायूटराइन चेंजेस के बारे में दिया गया, कैसे होता, फर्स्ट वन टू फाइव डेज कह सकते हैं या फिर वन टू थ्री डेज क्या होता है, किस समय हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उसके बाद 5 to 14 डेज को पॉलीफ्रेटिव फेज कहते हैं और 14 डेज को आपका ओवुलेशन हो जाता है। देखिए ये 100% हम नहीं कह सकते हैं श्योर होकर कि 14 डेज को हो जाता है, लेकिन ये माना जा रहा है नॉर्मली। अब उसके बाद फिर सिक्रेटरी फेज, क्योंकि अब आप यहाँ पर देख रहे थे कि कॉर्पस ल्यूटियम का काम रह जाएगा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ तो फिर ये डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म है। तो अब यहाँ पर एक बात और जानने वाली बात है, तो देखिए अगर कपल्स कॉपलेट कपल्स जो है, अगर क्या होता है कि मान लीजिए कोई कपल्स होते हैं कि चिल्ड्रंस का प्लानिंग नहीं किए हुए होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अगर वो ये 5 to 14 डेज के बीच में अगर वो कॉपलेशन करते हैं तो उसमें फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांसेस बहुत कम होता, ठीक ना। तो 14 नहीं कहेंगे, 5 to 10 डेज कहेंगे, 5 to 10 डेज के बीच में अगर कॉपलेशन करते हैं तो उसका फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस बहुत लो रहता, नहीं के बराबर रहता है। और लेकिन फिर 14 to 17 डेज की अगर बात करें हम, तो उस समय क्या होता है, प्रेगनेंसी का हाई चांसेस होता है, उसको हम रिस्क फेज भी कहते हैं, हाई चांसेस रहता है, ठीक ना। तो इस समय कॉपलेशन करने से क्या होता है कि फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, ठीक। तो लेकिन क्या होता है कि बाद में अगर इस 17 यानी कि 17 या फिर 18 के बाद अगर करें तो फिर क्या होता है कि अगर कॉपलेशन करता है तो फिर प्रेगनेंसी का चांसेस घट जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।